Malad. actually backed by a lot of research. Could you share a little light on that? Completely and good. मानता हूँ कि हर एक चीज लॉजिक के साथ बैक बैक होना चाहिए. सो जो भी मैंने इस फिल्म में आप मैंने बोला 10-10 मिनट में आपको एक एक हाई आएगा. सारे हाईज ड्रामेटिक हाईज मैंने फिगर आउट किया. अबाउट 150-200 केसेस जो अराउंड द वर्ल्ड हुआ है उसको मैंने न्यूज़पेपर कटिंग्स और मेरा बड़ा लाइब्रेरी था UNSW में सिडनी में. आई हैड एक्सेस टू दैट. तो वहाँ पे बैठ के मैं यू नो रात को बैठ के इंटरेस्टिंग केसेस पढ़ता था मैं एंड पेपर कटिंग्स के साथ जो जो केसेस में सही में हुआ है. सो जो मूवी आप देख रहे हैं इट्स अ कल्मिनेशन. इट्स लाइक सारे ड्रामेटिक हाइज जो है सच में कुछ ना कुछ केसेस में हुआ है अराउंड द वर्ल्ड. सो सारे चीजों को मैंने मिला के एक अच्छे से फिक्शनल स्टोरी बनाया. सो दैट्स हाउ इट इज. या एंड यू विल ऑसम. सो मेरे पास एक डायरी है जिसमें यू नो 150-200 केसेस हैं. कभी कभी मेरे रिलेटिव्स में मेरे वाइफ निकाल के पढ़ लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने कौन है ये सब क्यों लिख रहा है क्या सब एक ऑफ यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए करता हूँ बाकी कुछ नहीं है. ऑल सेम. तो बॉलीवुड में हमें एक ही केस जो याद है एकदम हाईलाइट हुआ था हिट हुआ था तो उस चीज को कभी रिलेट किया था लाइक व्हेन यू आर राइटिंग और यू नो जब हमने टाइटल रखा था हमें तो दूर दूर तक नहीं याद आया था. नहीं सर ऐसा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है. हिट एंड रन नहीं है. हिट का एक अब्रीविएशन है जो आप अगर ट्रेलर देखेंगे तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने दिखाया नहीं है. इसीलिए पता लगी पहले व्हेन इट वाज अनाउंस्ड सर. आप देखेंगे तो वो एक्चुअली उसकी फुल फॉर्म है HIT है वो. इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं इसको बुलाता हूँ तो HIT बुलाता हूँ. पर इट्स ओके टू कॉल इट हिट. बट या HIT का एब्रीविएशन है तो HIT इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग. हाय शैलेश जी हियर टुवर्ड्स सामने टुवर्ड्स राइट. हाय हियर हियर टुवर्ड्स राइट. यहाँ पे बात करते हैं HIT की हिट की. तो तेलुगु में ये जब आई थी तो बहुत बड़ी हिट साबित हुई और लोगों को बहुत पसंद आई. अब जब हिंदी में आ रही है तो क्या ये रीमेक होगी या किस तरह से? और रीमेक है तो किस तरह से लाइक मतलब क्योंकि बॉलीवुड में हमेशा एक रीमेक बहुत अच्छा कर भी रही है. अभी अगर हम बात करें तेलुगु या तमिल फिल्में जब हिंदी की तरफ आती है क्या कहना चाहेंगे आप? ओके सो थोड़ा टाइम लूंगा इसको आंसर करने के लिए. प्लीज डोंट चल रही फटाफट. तो बुलाएंगे रीमेक फिल्म ही है. पर ये अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि ये रीमेक में जो हो रहा है ना बहुत रेयर सिनेरियो उसमें होता है जहाँ पर कई लोगों को नहीं पता है कि ओरिजिनल भी मैंने ही लिखा था ओरिजिनल भी मैंने ही बनाया था. सो ओरिजिनल डायरेक्टर ओरिजिनल राइटर एंड तेलुगु वर्जन जो शूट किए हैं सिनेमाटोग्राफर मणिकंदन सर वो भी मेरा सिनेमाटोग्राफर है हिंदी के लिए. और ओरिजिनल को जिसने एडिट किया था गैरी भाई गैरी ही कर रहे हैं. एंड दिलराजू सर हु वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर द तेलुगु वर्जन उनको लगा कि यू नो ये कहानी हिंदी ऑडियंस के लिए हम लोग स्केल बढ़ा के लोकल हिंदी सेंसिबिलिटीज थोड़ा ट्वीक करके रिलेवेंट टॉपिक्स टच करके अगर हम यही हाई थिएटर में दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छा सा काम होगा. सो ये जो है रीमेक बनाने का डिसीजन था जो ये हमारे बीच में हुआ था. बाद में भूषण सर जैसे यू नो इज अ जॉइंट प्रोड्यूसर ही केम ऑन बोर्ड एंड सपोर्टेड अस हमारा विजन को सपोर्ट किया हमारा पैशन देख के सपोर्ट किया. तो ये रीमेक है हाँ लेकिन ये हर एक रीमेक जैसा नहीं है. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा पर्सनल बिलीफ है कि रीमेक उसको करना चाहिए जो ओरिजिनल बनाया है वो मैं मानता हूँ. मैं किसी और का स्टोरी तो लेके मैं रीमेक नहीं करूंगा. बट इफ आई वॉन्ट टू टेल दिस स्टोरी टू अ बिगर ऑडियंस अगर ये मैं बड़ा ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ ये स्टोरी उसको यू नो लोकल सेंसिबिलिटीज और वहाँ के सेंसिबिलिटीज के साथ इसको ट्वीक करके उनके ही लैंग्वेज में बताने का मतलब यही था कि मैं जैसे तेलुगु लोग ये